हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय द्विवेदी आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉज स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यदि आपको आती है तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है कर लेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, फाइव वैल्यूज। कैसी वाई फाइव वैल्यूज? ये देखिए 0/4, फिर √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 एंड √4/4। क्लियर है? यहां पे मैं लिख लेता हूं 0 डिग्री, यहां पे मैं लिख लेता हूं 30 डिग्री, यहां पे 45 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री। क्लियर है? 0 डिग्री मतलब साइन, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन थीटा, थीटा का मतलब साइन 0, यहां पे 30 हो जाएगा, 45 60 90। क्लियर है? तो साइन थीटा की वैल्यूज की बात करूं तो ये सारी वैल्यूज किसकी हैं आपकी, साइन थीटा की हैं। क्लियर है? किसकी वैल्यू है ये, साइन थीटा। थीटा का मतलब थीटा का 0 होगा तो ये वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू 30 होगी तो ये वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू यदि 45 डिग्री होगी तो ये वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू यदि आपकी 60 डिग्री होगी तो ये वैल्यू आएगी, और थीटा की डिग्री यदि 90 डिग्री होगी तो ये वैल्यू आएगी। मतलब आपको याद कर लेना है, कभी भी आप भूलें तो ध्यान रखिए √√0/4 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, 4/4 तक, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सबके स्क्वायर रूट्स। क्लियर है? इनको कैलकुलेट करेंगे तो 0/4 बेटा 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर रूट होगा √2। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा √3, और 4 का स्क्वायर रूट 2, और 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। क्लियर है? ये आपको वैल्यूज याद हो गई। अब देखिए कॉस थीटा, तो कॉस देखिए बेटा इनको इंटरचेंज करना पड़ता है, कैसे, जीरो की जगह मतलब जो जीरो की वैल्यू है कॉस के साइन के केस में, जो जीरो की वैल्यू है वही कॉस केस में 90 की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो यहां पे जीरो हो जाएगा, यहां वन है तो यहां पे वन आ जाएगा। क्लियर? 0 90 में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उनमें वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती हैं, किस केस में, साइन एंड कॉस में। तो 0 की वैल्यू आ गई 90 की प्लेस पे, और 90 की जो वैल्यू आ गई 1 की प्लेस पे, तो कॉस की वैल्यू से आ गई। ऐसे 30 और 60 का सम कितना होता है, 90 होता है, तो 30 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर जाएगी, और 60 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और 45 प्लस 45 दोनों का सम 90 होगा, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू सेम ही आएगी। तो इस तरीके से आपने कॉस की वैल्यूज निकाल ली, फिर टेन की वैल्यूज आपको निकालनी है। तो टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0/1, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा, और इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड बोले तो इन्फिनिटी। क्लियर है? आप आपको रेसिप्रोकल पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉट थीटा, तो कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 लिखेंगे। इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 एंड √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। क्लियर है? एंड इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0। क्लियर है? देखिए बेटा 0 का रेसिप्रोकल कर रहे हैं मतलब 1/0, तो ये होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 1/इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, 0। क्लियर है? फिर आपका आएगा sec थीटा, sec थीटा किसका होगा, इसका cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा, और 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी। फिर आता है cosec, तो cosec साइन का उल्टा होता है,
तो जीरो को उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, वन अपॉइंट टू का उल्टा टू आएगा, वन अपॉइंट रूट टू का रूट टू, एंड रूट थ्री अपॉइंट टू का टू अपॉन रूट थ्री, एंड वन का उल्टा वन। क्लियर है? यदि आपको ये वैल्यूज आती हैं, सबसे पहले आपको ये वैल्यूज ध्यान रखनी है। ये सारी वैल्यूज किसकी होती हैं? साइन थीटा की होती है। कब? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। और आपको ये भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कि इनको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें, रेडियन में। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे यहां पे लिखा है साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स, तो पाई बाई सिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। क्लियर है? ये ध्यान रखिए आप। तो इसी तरीके से पाई बाई सिक्स क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई सिक्स हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। क्लियर है? और फिर पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री रेडियन क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर रेडियन हो जाएगा आपका कितना 45 डिग्री। क्लियर है? तो इस चीज को आप माइंड में फिट कीजिए। और यहाँ पे LHS कंसीडर कीजिए, तो LHS कंसीडर करेंगे क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री मतलब कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। क्लियर है? होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, माइनस 10 पाई बाई 4 मतलब 10 स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू कितनी है, 1, यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देखिए बेटा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/4, प्लस इसका स्क्वायर 1/4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1/4 कितने हो गए 2/4, माइनस 1, 2 बन जा 2 जा, यानी कि 1/2 माइनस 1, तो 1/2 में से 1 करेंगे माइनस, तो माइनस का हाफ बचेगा, और यही आपको प्रूव करना था, RHS आ गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन चारों क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज पुट करनी है। आपको 90 तक की टेबल्स माइंड में फिट होना चाहिए, और नहीं भी हो रही है तो आप सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद कीजिए, वो भी इस तरीके से, तो तुरंत आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना है, अगर आप पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री याद करते हैं तो कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्लियर है? उसको रेडियन को डिग्री में चेंज कर लीजिए, मन में ही कर लीजिए, रफ में कर लीजिए, फिर जो है वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है? कैलकुलेशन बहुत ईजी है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बेटा रोकिए और नोट कीजिए। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया नोट? चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रूव करना है 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7π/6 इंटू cos² π/3 = 3/2। क्लियर है? अब देखिए बेटा यहां पे LHS कंसीडर करेंगे, क्या है 2 sin² π/6, पाई अपॉन सिक्स बोले तो 30 डिग्री मतलब वैल्यू मिल जाएगी, प्लस cosec² 7π/6, तो 7π/6 का मतलब यहां पे पाई अपॉन सिक्स 30 से 210, तो 210 को आप कन्वर्ट करेंगे, तो 210 कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे, 180 + 30, क्या करेंगे, 180 + 30 मतलब π + π/6, 180 + 30 π + π/6 कर देंगे, और cos² π/3 ये है आपका। अब आपने पढ़ा होगा पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, पाई प्लस थीटा बेटा लाई करता है, पाई प्लस थीटा लाई करता है किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। हमेशा ध्यान रखिए, आपका ये कहानी रहती है, फर्स्ट में आपके क्या रहते हैं, फर्स्ट में आपका थीटा, सेकंड में आपका पाई माइनस थीटा, थर्ड में आपका पाई प्लस थीटा, एंड फोर्थ में 2π - k θ। क्लियर है? अगर अपन लोग 0, 180 एंड 360 की बात करेंगे, और वैसे अगर बात करेंगे तो इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, π/2 - θ मतलब 90 - θ। क्लियर है? इसमें क्या रहेगा, π/2 + θ। क्लियर है? इसमें आपका रहेगा आपका 3π/2 - θ, इसमें क्या रहेगा, 3π/2 + θ। क्लियर है? अगर पॉजिटिव एंगल थीटा है तो हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये -θ। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। तो कॉसेक की
कॉसेक पाई प्लस थीटा, मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन एंड कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉसेक की वैल्यू निगेटिव होगी, मतलब कॉसेक पाई प्लस थीटा जो होगा वो क्या होगा, कॉसेक पाई प्लस थीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस के कॉसेक थीटा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान रखना है बेटा, क्या ध्यान रखना है कि कॉसेक लिखेंगे बेटा, कॉसेक कॉस लिख दिया था धोखे से, कॉसेक लिखेंगे, ठीक है ना, कॉसेक पाई प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब यहां ध्यान क्या रखना है, कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई सिक्स, मतलब कि यहां पे कॉसेक पाई प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस कॉसेक पाई अपॉन सिक्स। क्लियर है? अब मैं यहां पे स्क्वायर लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या लिख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर प्लस, और क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर पाई बाई सिक्स। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और तो देखिए बेटा, यहां पे टू साइन स्क्वायर पाई अपॉन सिक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर पाई अपॉन सिक्स, क्योंकि देखिए मैंने यहां पे कैलकुलेट कर दिया, इंटू कॉज स्क्वायर पाई अपॉन थ्री। तो टू साइन पाई बाई सिक्स मतलब साइन थर्टी कितना होता है, 1/2। तो बेटा यहां पे 1/2 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। कॉसेक 30 क्या होता है, 2, यानी कि 2 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, इंटू कॉस पाई बाई थ्री कॉस 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहां पे 2 इंटू ये क्या आएगा, 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1/2 स्क्वायर 1/4, तो ये कैंसिल आउट हो गए, 2 बन जाए 2 जाते, यहाँ क्या बचा 1/2 और यहाँ पे क्या बचा 1/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 बन जाए 2/2 मतलब 3/2, और यही आपका RHS में प्रूव करना था। तो ध्यान देना है बेटा यहाँ पे, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये 90 तक की टेबल से बाहर था तो उसको